वेलकम टू क्यूक आई क्यू स्टडी। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यूक आई क्यू स्टडी पर। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बतलाएंगे और फिगर के साथ डिस्कशन भी करवाते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि 10 अप्रैल को। देखिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो यह होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन की जयंती के लिए मनाया जाता है। यह देखिए हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल, इनकी जयंती के रूप में यह विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक भी थे। 2021 के लिए भारत में इस दिन का जो विषय है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है कि किसने अक्टूबर 2020 से अपना सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। ऑप्शन है अनिल चौहान, भरत पुन्नू, रविंद्र पाल सिंह और या फिर चौथा ऑप्शन है राज शुक्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि भरत पुन्नू। देखिएगा ये हैं भरत पुन्नू, इन्होंने जो 2020 से अपने तेज एक साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए। पहला रिकॉर्ड जो था कि पहला रिकॉर्ड इन्होंने तब बनाया था जब उन्होंने लेह से मनाली 472 किलोमीटर तक सिर्फ 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई थी। दूसरा रिकॉर्ड बनाया था जब उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 5942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी की थी। अगला क्वेश्चन है कि ओहू मालदो महन दोऊ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि ओहू मौदो महम दोऊ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है मोरिटानिया, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं ओहुम मौदो महम दो, इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ओहुम मदो महम दो हैं, ठीक है। इन्होंने पहले वित्त और खनन विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 2005 से 2021 के वीरपुरुष यानी कि राष्ट्रपति महम दोऊ इस सौफू के सेनाध्यक्ष भी थे। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति भी हैं सो मोहम्मद बजौम है, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ही इनको नियुक्त किया है नए प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि मोहम्मद बजौम जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है ओहम मौदो महम दोऊ। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किसने किया था। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, किरेन रिजिजू या फिर जितेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि किरेन रिजिजू। देखिएगा किरेन रिजिजू जो हैं सो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किए। यह देखिए ये हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने यह केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू हैं। इन्होंने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसमें पहली बार 145.16 लाख रुपये का अनुदान और 96.17 लाख रुपए का वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ जानकारी है
कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिलेगा आपको आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है। साथ ही आप फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के एक ग्रुप बनाया हुआ है क्यू आई क्यू स्टडी के नाम से, आप लोग वहाँ जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ जुड़ने से आपको यही फ़ायदा है कि जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका जस्ट लाइक क्यूज की तरह वहाँ हम पोल के लिए क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जुड़ने से आपको रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही एक चीज़ और आपको फ़ायदा है कि अगर आपके पास कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिस्कशन हो। अगला क्वेश्चन है कि राव साहेब अंतापुरकर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता या फिर दवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि राजनीति। देखिए, राव साहेब अंतापुरकर जो थे सो राजनीति से संबंधित थे, और इन्होंने इनको हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने किस राज्य में रुपये यानी कि 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी? ऑप्शन है गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। देखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने 726 करोड़ रुपए की योजना परियोजना की है राजमार्ग को बनाने के लिए। देखिए, ये जो परियोजनाएं हैं सो राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के लिए, इन परियोजनाओं में NH-86 में 934 पर 22.56 करोड़ रुपए की लागत से सागर छतरपुर सड़क मार्ग को मजबूत करने के अलावे 17.72 करोड़ की लागत से घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 572 किलोमीटर के उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी कैरिबियाई में 9 अप्रैल 2021 को धुएं का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी का नाम क्या? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है काक्राटोआ, लासो फिस्ट, इंजेन या फिर करंग टांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि लासो फिस्ट। देखिएगा, लासो फिस्ट जो है सो दक्षिण कैरिबियाई में जो 9 अप्रैल 2021 को यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो दर्शकों से निष्क्रिय था, यानी कि वह देख नहीं सकते। ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में करीब 20,000 लोगों को निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने बुटिक कारपोरेटर लॉ फॉर्म कंसोर्टिया लीगल शुरू की है? ऑप्शन है जिहान श्रॉफ, मह रुख, उमरीगर, सत्येंद्र श्रीवास्तव या फिर इन में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि देखिएगा, जिहान श्रॉफ, मह रुख, उमरीगर, सत्येंद्र श्रीवास्तव तीनों जो हैं सो बुटिक कारपोरेट लॉ फॉर्म कंसोर्टिया लीगल शुरू की। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए किस देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था को स्थापित की है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि श्रीलंका। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए इसके साथ स्थापित किया है व्यक्तिगत द्विपाक्ष एयर बबल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो उड़ाने हैं सो एक एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है। एक एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों को प्रतिबंधों का एक सेट जिसमें दोनों देशों के वाहक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। यह सार्क क्षेत्र में इस तरह की छठी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पश्चिम रेलवे जोन कितनी नई समर स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा? तो इसका जो ऑप्शन है 6, 10, 14 या फिर 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि थर्ड होगा 14। देखिएगा, भारतीय रेलवे ने पश्चिम जोन में 14 नई समर स्पेशल ट्रेनों की जो संचालित करने वाला है। इसमें क्या है
कि 14 स्पेशल ट्रेन में जो विशेष रूप से पटना, गोरखपुर, भागलपुर, गाजीपुर, गुवाहाटी के लिए चलेंगी और अगले कुछ दिनों में यह शुरू भी कर दिया जाए। तो आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं और साथ ही इसका PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप QIQ स्टडी को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें।